अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आसिफ नगर फिरोज गांधी नगर SBI कॉलोनी में मुसलसिल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यहां पर रोड बनाने के नाम पर सिर्फ जगह जगह पर गड्ढे खोद कर रखे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। और अमूमन हम देख रहे हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर अवाम को मुसलसिल परेशानी हो रही है। सड़कें सही नहीं है, ड्रेंज का पानी बहते रहता है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। और ऐसी शिकायतें मिलने के बाद नामपल्ली इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फिरोज खान ने यहां का जायजा लिया। कई लोगों का ये कहना था कि फिरोज खान यहां का दौरा करें, और जब फिरोज खान इस इलाके का जायजा लिया उसी दौरान मजलिस के कारकुन भी वहां पर पहुंचे और इनको दौरा करने से रोकने की कोशिश की। इसी में बहस हुई और इसके बाद MLA मोहम्मद माजिद हुसैन यहां पर पहुंचे और इसके बाद से ये बहस और तकरार बढ़ गई। ये बड़ी अफसोस की बात है। जहां अवाम को परेशानी हो रही है, अवाम के मसलों को हल करना चाहिए, चाहे वो MLA हो या फिर कोई भी लीडर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कोई काम करने के लिए यहां आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है, अब इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी। और यहां पर कई लोगों ने फिरोज खान को शिकायत की कि किस तरह से यहां पर लोगों को चलना मुश्किल हो गया है, और एक बुजुर्ग गिरने से उनको टाके भी लगे हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक खिलाते हैं, इसीलिए सड़कें सही नहीं डालते। यही वजह है कि हर 2-3 महीने में सड़कें खराब हो जाती है। मोहम्मद फिरोज खान ने ये कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो पूरी ईमानदारी से काम करे, किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर सड़कें सही नहीं बनेगी तो फिर कांग्रेस हुकूमत है, कांग्रेस हुकूमत ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टर को जो इस तरह से अवाम को सहूलत देने की बजाय उनको तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टरों का काम हो गया है, हर काम में चोरी करते हैं और ऑर्डिनरी मटेरियल डालते हैं जिससे वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, और इस पे बजट बड़े पैमाने पर इनको मिलता है। यही बात को लेकर फिरोज खान ने कहा कि ये अवाम का पैसा है और कांग्रेस हुकूमत करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल, जिस तरह से मिलजुल कर अवाम के मसलों को हल करना चाहिए था, वहाँ पर मुसलसिल अवाम को परेशानी हो रही है। मुकामी लीडरों को कहा जाता है वो तवज्जो नहीं देते, कॉर्पोरेटरों को कहा जाता है वो तवज्जो नहीं देते, MLA को कहा जाता है, MLA को कोई वक्त नहीं मिलता, और यही वजह से लोग फिरोज खान को कहे हैं, और यही वजह है कि फिरोज खान आज यहाँ का जायजा लिए थे। बहरहाल, ये सारा हंगामा हुआ, लेकिन ये अफसोस की बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अवाम के जो मसले हैं उसको सही करना चाहिए, लेकिन अपने गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह से डराना धमकाना, बहस करना, गाली गलौज करना, ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और दोनों को अपनी अपनी जगह पर पुलिस की जानिब से भेज दिया गया है। लेकिन मोहम्मद फिरोज खान ने ये कहा कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां जहां प्रॉब्लम होगा यकीनन वहां पर पहुंचेंगे, वहां के कामों का जायजा लेंगे, और कहां पर लापरवाही हो रही है वो देखेंगे, और जो भी लापरवाही में मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कम से कम ऐसा करने पर अवाम के मसले तो हल होंगे, कम से कम ऐसा करने पर अवाम की जो परेशानियां हैं, अवाम को चलने के लिए मुश्किल हो रही है, दिन रात मोरियां बहते रहते हैं, नाली का पानी बहते रहता है, सड़कें सही नहीं है, सारे हैदराबाद का तकरीबन यही हाल है। उम्मीद करते हैं कि नामपल्ली से काम की शुरुआत हो और एक बेहतर काम हो, ताकि अवाम को सहूलत मिल सके, अवाम को ये परेशानी से नजात मिल सके। क्राइम टुडे से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताए गए। शेख शफी के साथ में शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। बरसात है, बरसात है तो आफत जो गिरे बोलो भाई, क्या कर क्या करना भाई, ये तो नहीं करना फिर मैंने पानी गाड़ी कर साफ करती, बस आगे का छोड़ देती, फिर यहाँ आया तो यहाँ बहुत साफ करते चले जाते, एक ही साफ करते पूरी लेन साफ में यही प्रॉब्लम हो रही है। कोई चीज़ के बगैर इंटीमेशन के तोड़ दिया, लोग बुला कर दिया, पुलिस को बुला दिया।
इनके मार लगे सो फोटोज दे दो सर। फोटो कितने टांके लगे भाई? 11 टांके लगे बेचारों। ये देखो इधर भी बताना कौन चीज इन्होंने सुन लो। कल कल ये देखो फाइनल रिपोर्ट में क्या कल जाके ये देखो पूरा मेडिकल एड होना इनका, हर चीज करा के देना है। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद का वर्क ऑर्डर कहाँ है पूछिए। क्या है इनके वर्क? हाँ गुड इवनिंग इंस्पेक्टर गारू, ये अब्दुल हमीद बोल के आएंगे आपके पास, उनका सर फूट गया यहाँ पे, वो मेस्को अपोजिट आसिफ नगर, पीएस आसिफ नगर के अपोजिट लेन में है ये। यहाँ पे रोड जो तोड़ के नहीं बना रहे हैं और पूरा गड़बड़ कर दिए 6 मंथ से, यहाँ पे पेंडिंग जो काम है, यहाँ पे पूरी बस्ती परेशान है, पूरी गली परेशान है। खैर नो प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट योर थिंग, बट आपका ये प्रॉब्लम है कि इन्हों निकले, इनको क्या बोलते गिर गए इन्हों और इनका सर फट गया, आपके पास आके कंप्लेंट देते, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो भी एजेंसी उस पर आप केस बुक करिए। मैं अपनी देव का नाम राइट राइट थैंक यू क्या चीज कैसा है वो देखिए। सिवरेज का काम कराना वेस्ट है नहीं, क्योंकि पहले वाकई जैसा बोले पहले खराब थे अपार्टमेंट्स बन गए, इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिवरेज की कितनी लाइन है क्या है, गवर्नमेंट का काम भी सही हो वही रिक्वायरमेंट। किसी को बोलेंगे सीवेज डालने बाद ड्रामा कर ड्रामे का मतलब क्या है, आप सीवेज फिर से आप रोड तोड़ते तो ये ड्रामा कमीशन का ड्रामा करप्शन का ड्रामा ये चला। बाजू का काम कंप्लीट ही नहीं हुआ यहाँ पे शुरू हो गया, उधर का रास्ता ब्लॉक है, आना तो फिर SBI कॉलोनी में से आना पड़ा इंशाल्लाह। इसको देखेंगे Thank you.
SBI कॉलोनी फिरोज़ गांधी नगर ज़ुबैदा मस्जिद के पास आज फिरोज़ खान साहब इंस्पेक्शन के लिए आए थे। यहाँ पे एक रोड डल रही थी, एक इंसिडेंस हो गया था, उसके लिए आए। सिवरेज का भी वहाँ पे काम नहीं हो के रोड डलने की तैयारी हो रही है, तो उसको तमाम चीज़ों का इंस्पेक्शन करने आए। आज ये ज़ुबैदा मस्जिद के बिल्कुल रूबरू मस्जिद के सामने यहाँ है, देखिए आप, ये पूरा ड्रेनेज का काम सालों से चल रहा, कभी कम्प्लीट नहीं हुआ। यहाँ से लेके रज़ाक ट्रेडर्स की गली तक ये खुसरो पहलवान साहब के घर के हैं, ब्लॉकेज है यहाँ पे पूरा। ये काम ज़माने से पेंडिंग स्लो चल रहा, जिसके इफ़ेक्ट से मस्जिद के सेलार में भी कई वीडियोस देखे होंगे आप लोगों, ज़ुबैदा मस्जिद के सेलार में भी गंदा ये नालों का पानी आ जा रहा।
तो आज फेरोज़ खान साहब वही आए, डीसी को भी कॉल करे, तमाम डिपार्टमेंट्स को भी कॉल करे, ये काम फास्ट होना और इसको एक अच्छे प्रोजेक्ट के हिसाब में काम लेना ताकि इसकी फ्यूचर में फिर परेशानी ना हो। अभी ये 4-5 साल ठहर गए यहाँ पे, फिर मजीद ये नहीं करेंगे। तो यहाँ के लोगों के काफ़ी कंप्लेंट्स है, इस कंप्लेंट्स के तहत ही हम यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करें। हल्के नामपल्ली में कहीं भी कोई कंप्लेन रहने दीजिए, आप सामने भी नहीं आए तो हम बराबर सामने आपके आके बराबर काम करेंगे और आपका काम करवाएंगे। और आवाम से भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, काम अच्छे से कराइए। हुकूमत आपका जो टैक्स का पैसा रहता उसी से ये काम कराती, हुकूमत का भी पैसा वेस्ट नहीं होना, आपका भी नहीं। ये कॉन्ट्रैक्टरों के जो दल्ले रहते और ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो कमीशन देते, ये तमाम चीज़ों से होशियार हो जाइए। हम क्वालिटी चेक करवाएंगे बराबर, क्वालिटी कंट्रोल से अगर काम नहीं हुआ, उस टेक्निकलिटी से काम नहीं हुआ, उस हिसाब से काम नहीं हुआ, तो हम वो ब्लैक लिस्ट कराएंगे उसको, आपके कॉन्ट्रैक्टर को। और ये जो भी काम हो रहा सिस्टम में होना। थैंक यू। ऐसा कंप्लेन आया भाई, बोल तो सिविलियंस जो रेसिडेंस के लोगों को कंप्लेन देते, कोई भी मोहल्ले वाले पूरे एक हो गए, पुलिस चले गए वापस, क्योंकि कोई क्राइम नहीं है। आप देखो नमाज को निकले साहब, बेचारे गिर गए, उठाए भी नहीं, कुछ भी नहीं करे, इसका डिब्रेज जीता भी है पूरा, ये नहीं उठाए, गिर गए, 11 टांके लगे। ये काम कब से चल रहा है? ये काम 3 दिन हुआ है यहाँ खोद के। मेस्को के पास का रास्ता बंद है, ये बंद है, वो तो 2 साल हो गए, 2 साल से हो गया। बॉक्स के जैसा बॉक्स ड्रेन बना रहे हैं वो, इतना काम कराया भाई, तो बॉक्स ड्रेन बने तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो लिहाजा वो चीज़ के लिए फिरोज़ भाई आए हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए। और जो भी यहाँ पे काम कराएगा कॉन्ट्रैक्टर, क्वालिटी का काम होना, वर्क ऑर्डर चेक करेंगे हम उसका, सेवरेज का काम हुए बाद काम होना। अब जितना भी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होगा, जो भी करेंगा, हम सडन इंस्पेक्शन भी कराएंगे। क्वालिटी कंट्रोल वाले ठहर के यहाँ पे रोड डालाना, उन्हें कंक्रीट कहाँ से ले रहा, उन्हें मटेरियल कहाँ से ला रहा, हर चीज़ मेंशन करना है, क्योंकि उसके वर्क ऑर्डर में रहता कौन सी क्वालिटी डालना है, गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट नहीं होना। तो वो तमाम चीज़ों के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से ही पूरा यहाँ पे काम होना। देखो अब सेफ्टी कुछ भी नहीं है, आप देखो लोगों को क्या हालत हो गई, बेचारे ज़यीफ़ है, 70-75 साल के हैं, उनको 11 टांके लग गए, बोल तो आप सोचो, उनका खुद यहाँ पे खून गिरा हुआ है, वो भी आपको वीडियो में बताए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए फिरोज़ भाई आए यहाँ पे, पूरी हमारी टीम आई। और ऐसा जहाँ भी काम हो रहा हमको आप कंप्लेन करिए, हमको बोलिए, इंशाल्लाह बराबर आपके साइट पर भी आएंगे। जो भी काम हो रहा अच्छे से अच्छा कराइए आप, गवर्नमेंट आपका काम करने के लिए बैठी हुई है, आपका हर वो काम होगा, आपको पूरे तरीके से काम कराइए। रोड डाल रहे हैं तो आपको 6 इंच की बोल के 5 इंच की डाल देते, 1 फीट की बोल के आपको 4 इंच की डाल देते, वैसा मत करिए। और कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल रहे हो, किसी को आपको ना कमीशन देना है ना कुछ देना है, काम अच्छा करिए तो आप टिकेंगे, अगर नहीं तो वरना अगर आप काम सही नहीं करेंगे तो आप पे पूरा क्वालिटी कंट्रोल से पूरी इंक्वायरी कराएंगे। थैंक यू। रोड का काम शुरू कर दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या है? देखिए आपके जो मिसमैनेजमेंट है और जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसा अभी हमारी बात जो उस्मान खान बोले हैं कि क्वालिटी डालने का है और गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक का पैसा है, ये आपका और हमारा पैसा है और इसके अंदर क्वालिटी रहने का है और सिस्टम से काम करना है। ये जो मनमानी चल गई अब तक चल गई, मगर इंशाल्लाह अब आगे नहीं चलेंगे। और ये जो रोड है इसका इंस्पेक्शन हम बराबर कराएंगे, डीसी को बुलाएंगे और कंसर्न्ड ऑफिसरों को बुलाएंगे, बुला के जैसा आप बोले हैं कि वर्क ऑर्डर चेक करेंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको ऑन रिकॉर्ड मानना पड़ेगा कि मैं जो भी काम करूँगा सही काम करूँगा। और अगर से ये काम ये कॉन्ट्रैक्टर सही तरीके से नहीं करता तो कांग्रेस की हुकूमत है और हम करप्शन बर्दाश्त नहीं करते और हम बराबर ये कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड कर देंगे। ज़्यादातर नामपल्ली में जो रोड अच्छे हैं उसको फिर से खोद के फिर से ये ऐसा तमाशा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, ये जो करप्शन ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा रुकना है, राइट। जो भी है सिस्टम से काम करना है और एक टाइम काम हुआ तो नेक्स्ट टाइम से वो काम के करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीवेज लाइन नहीं डाल के आप रोड डाल दे रहे हैं और फिर मोहरियाँ भर के आ रहे हैं, हाँ। तो ये बात तो समझ के बाहर है हमारी। सो ये दूसरे गवर्नमेंटों में चलता था बट अब कांग्रेस का हुकूमत में नहीं चलेगा। जो भी है सिस्टम से होने का और कोई भी करप्शन और कोई भी मिसमैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों को एक बात बोल गया है साहब, देखिए साहब चुनाव हो चुका है, ये छोटी बात चिल्लर बात ना हम करना ना हमारे अपोजिशन करना, हाँ। अवाम आपको जिताई और आपको 62,000 वोट दिए, हमारे को 60,000 वोट दिए, जमहूरियत है, जितना जीतने वाले का पावर है उतना सेकंड आने वाले का भी पावर है। सो फाइन, ये तमाम चिल्लर बातों में नहीं जाएंगे, 200 वोट 500 वोट, ये चुनाव के टाइम नामपल्ली आपका भी घर है, नामपल्ली हमारा भी घर है, राइट। नामपल्ली को आलिशान बनाना वो आपका भी ख्वाब रहना, वो हमारा भी ख्वाब रहना। जय हिंद, धन्यवाद, जय।